काम करेगा पहुंचा दीजिए इन को को इंडिया के हर उस जो ये exams देने वाले हैं हैं आइए हम शुरू करते चैप्टर नंबर एट एग्जीबिशन अंडर जीएसटी सर नाउ कौन कौन सर्विसेज एग्जिमिट अंडर जीएसटी मेगा एग्जीबिशन लिस्ट फर्स्ट हम शुरू कर रहे हैं एग्जिबिशन हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज के लिए सरकार फर्स्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ सर ध्यान है हॉस्पिटल अरे हाँ ना भाई हेल्थ के सर्विसेज बाय बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पेराडिक्स आर एक्साम फ्रॉम जीएसटी आई रिपीट हेल्थ के सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स आर एक्जेंड फ्रॉम जीएसटी इसमें हॉस्पिटल भी कवर गए सर डॉक्टर्स के पर्सनल क्लिनिक भी कवर हो गए एंड सर सर पैरामेडिक्स जो हेल्थ केयर हेल्थ केयर के लिए पैरामेडिक्स जैसे फिजियोथेरापिस्ट वगैरह हो गए लैब असिस्टेंट वगैरह हो गए ये सभी इसमें कवर हो गए एड इनकी सर्विस आर एक्जेंड फ्राम जी पर सर एम्बुलेंस सर्विस के लिए अलग से बोल दिया और एम्बुलेंस सर्विस कोई भी प्रोवाइड कर रहा है जीएसटी एक्जेंट रहेगा क्लियर कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस सर हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो सर उस पेशेंट से जो भी चार्जेस ले रहे हैं बाय वे रूम रेंट हो गया फूड के चार्जेस हो गए सर इन पेशेंट जो पेशेंट एडमिट होता है उसके जो भी चार्जेस लिए सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ के सर्विस होता है और हेल्थ के सर्विस में क्लासिफाई करके पूरी सर्विस पे जीएसटी एक्सिम रहेगा पर अगर किसी हॉस्पिटल में रूम रेंट जो है वो एक्सीडेंट है एक्सीडेंट रूपीज फाइव थाउजेंड पर डे है तो ऐसे केस में केवल रूम रेंट के जो चार्ज होंगे उस पर जीएसटी लग जाएगा जैसे छह हजार रूम रेंट है पर डे का तो छह हजार रुपए जीएसटी लग जाएगा बाकी सारे जो चार्ज उससे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा पर अगर पेशेंट एडमिटेगा आईसीयू सीसीयू या आईसीसीयू या एनआईसीयू में अगर एडमिट रहे तो ऐसे केस में इस्पेक्टिव रूम रेंट पर डे जीएसटी एस रहता है रूम रेंट पे भी बेटा क्लियर वहां कोई लिमिट नहीं अप्लाई होती है इसके अलावा जो नॉर्मल रूम होते हैं बेटा डिलेक्स रूम सेवन डिलेक्स रूम इस तरह के और सर जैसे होटल्स में रूम होते हैं वैसे आजकल हॉस्पिटल में रूम होने लग गए इस तरह के और हॉस्पिटल में अगर जो पेशेंट एडमिट है उससे रूम रेंट जो लिया वो पाँच हजार रुपये से ज्यादा लिया है अपटू पाँच हजार लिया है नो जीएसटी क्लियर पाँच हजार दस रुपए लिया है तो पाँच हजार दस रुपए जीएसटी लग जाएगा केवल रूम रेंट वाले पोर्शन में बाकी बाकी सब पे जीएसटी एक्जिम रहेगा क्लियर सर ध्यान देना बच्चा सर अगर कोई डॉक्टर है सीनियर डॉक्टर या कंसल्टेंट है सर जो हॉस्पिटल के अंदर

पर अगर हॉस्पिटल में कैंटीन और कैंटीन में वहां पर किसी अटेंडेंट ने या किसी और पर्सन ने विजिटर ने अगर कोई खाना खाया तो उस पर वो इन पेशेंट नहीं है क्लियर नेक्स्ट सर आईवीएफ की प्रोसेस है सर जो प्रेगनेंसी के इशू थे उसमें आईवीएफ की प्रोसेस जो प्रेगनेंसी की जाती है वो भी हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आएगा और सर्कुलर ने क्लरिफाई करके बोला उसमें जीएसटी नहीं लगेगा आइए देन सर इंसानों में जान होती है तो जानवरों में भी जान the होती है इसलिए सर्विसेज बाय वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स आर बर्ड्सो एम फ्रॉम जीएसटी देन आर्टिफिशियल ऑफ आर फ्रॉम जीएसटी अदर देन हॉर्स देन सर देन धन कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की सर्विसेज जो थी वो अब टैक्सेबल हो गई है देन सर कोर्ड ब्लड बैंक कॉड ब्लड बैंक की जो सर्विसेज थी उसके लिए जो जब पैदा होता है मां के पेट से तब उसकी कोर्ड मां के पेट से कनेक्ट होती है सर उसमें ब्लड जो होता है उसको स्टोर करने के लिए सर कई सारे प्राइवेट कंपनीज है जो इसको स्टोरेज इस करती है उसके लिए एक लाख दो लाख पांच लाख इतने चार्जेस होते दो हजार नौ टैक्स अंडर जीएसटी कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कवर कवर है और उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड करने वाली सर्विस दी है उसके लिए जो फीस चार्ज की उस फीस जीएसटी नहीं लगेगा पर चैरिटेबल एक्टिविटी को डिफाइन किया हुआ है और चैरिटेबल एक्टिविटी के स्कोप में ये एक्टिविटी दी है अगर आप, अगर आप इंस्टीट्यूशन इन चार में से कोई भी काम किया उसके लिए फीस ले जीएसटी नहीं लगेगा इसके अलावा कोई भी काम किया है उसके लिए फीस ले तो जीएसटी लगेगा अच्छा को अगर सर चैरिटेबल एक्टिविटीज के डेफिनेशन में क्या कहता है फर्स्ट service activities relating to public health by way of care or counseling of terminally ill persons or persons with severe physical or mental disability then persons ad addicted to dependence forming substance such as narcotic drugs or alcohol or public awareness of preventive health family planning or prevention of hiv infection then advancement of religion spirituality or yoga sir इसके लिए एक सर्कुलर भी था सर अगर मान लो कोई रेजिडेंशियल प्रोग्राम किया है योगा के प्रमोशन के लिए या सर रिलीजन को या स्पिरिचुअलिटी के लिए श्री 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 श्री, श्री रविशंकर जी ने कोई रेजिडेंशियल कैंप रखा है और उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी या योगा या रिलीजन के प्रमोशन के लिए उसके एडवांसमेंट के लिए कोई कैंप रखा और उसमें सर रहना खाना पीना सब कुछ वहीं पर है पांच दिन के लिए मान लो और उसका चार्ज रुपीज़ टेन पर पर्सन तो ये कंपोजिट सप्लाई है और कंपोजिट सप्लाई के अंदर प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है एडवांसमेंट ऑफ योगा रिलीजन स्परिचुअलिटी है तो उस पर जीएसटी एक्सम रहेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देन एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग इन रूरल एरिया अर्बन एरिया के स्किल तो जीएसटी लगेगा इंक्लूडिंग वॉटरशेड फॉरस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इनके लिए अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने कोई फीस लिया है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा सर किसी और काम के लिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने कोई फीस लिया तो जीएसटी लग जाएगा वो यहाँ कवर नहीं है बच्चों क्लियर डन सर नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या ओल्ड एज होम जिंदगी में कुछ भी करना पर ये सर्विसेज अपने पेरेंट्स के लिए भी कभी काम नहीं आए ध्यान रखना सर्विसेज <laughs> सर बाय एन ओल्ड एज होम रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन में ट्वेल्व डबल्व ए बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जहां पर सर 60 इयर्स और अबो वाले लोग रहते हैं और उनके लिए पच्चीस हजार रुपए पर मंथ या पर मंथ पर मेंबर तक का चार्जेस में खाना पीना रहना सब कुछ इंक्लूडेड है पच्चीस हजार रुपए पर मंथ पर मेंबर तक का अगर चार्जेस है तो जीएसटी नहीं लगेगा ओल्ड एज होम की सर्विसेज पर देन रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल ने सर्विसेज दी उस पर जीएसटी नहीं लगता देन सर्विस ऑफ पब्लिक प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज ऑफ बाथरूम वॉशरूम लेबोरेटरीज यूरिनल और टॉयलेट्स आर एक्जम फ्रॉम जीएसटी इन पे जीएसटी नहीं लगता सुलभ शौचालय फॉर एग्जाम्पल आइए सरकार टू एग्रीकल्चर सर किसान या एग्रीकल रिलेटेड सर्विस कौन कौन सी तो वो भी देख लेते हैं हम फर्स्ट सर्विसेज टू एग्रीकल्चर सॉरी सर्विसेज टू एग्रीकल्चर में क्या क्या था बेटा कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल सच सच फूड आपने फूड के लिए फाइबर के लिए बेटा यहाँ पे क्या लिखा है एक्सेप्ट फॉर रेयरिंग ऑफ हॉर्सेज हॉर्सेज क्या होता है सर सर ये लग्जरी लोग बड़े जो लोग होते हैं ना सर अमीर लोग उनका काम होता है सर हॉर्स को पालना इसलिए सर स्टेड फार्मिंग के लिए अगर अपने लैंड लिए रेंट पे तो इट विल बी चार्जेबल टू तो जीएसटी पर नॉर्मल फार्मिंग के लिए अगर अपने लैंड लिया रेंट पे तो उस पर जीएसटी एक्समट होता है हम आगे पढ़ने वाले बेटा इस पॉइंट में आएगा क्लियर वापस पढ़ना बेटा सर्विस इज टू अल्टीवेशन ऑफ प्लान रेरिंग ऑफ ऑल लाइफ ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट रैरिंग ऑफ फॉर फूड अब अपने रैरिंग ऑफ एनिमल क्यों किया फूड फाइबर फ्यूल रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसके लिए आप ये एग्रीकल्चर काम कर रहे हो और उस काम के लिए आपने सर्विसेज ली कौन कौन सी सर बाय वे ऑफ एग्रीकल्चरल ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टिवेशन हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग प्लांट प्रोडक्शन और टेस्टिंग जैसे आपने सोइल टेस्टिंग कराया प्लांट टेस्टिंग कराया इन सब चार्जेस पे जीएसटी सर देन

स्टोरेज भी आ गया है सर नेक्स्ट आता है इसके अंदर क्या ध्यान देना बेटा सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के स्कोप में राइस नहीं आता है राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के स्कोप में नहीं आता है पैडी जो होता है पैडी रो राइस वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के स्कोप में आता है इसलिए राइस के लिए अलग से कुछ पॉइंट और दे रखे मैं आपको बताऊंगा आगे देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज मैंने गांव में जा जाके एडवांस टेक्नोलॉजी सिखाई लोगों को खेती करने के लिए उस पर जो फीस लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा देन सर एपीएमसी मार्केट या जैसे मंडी शुल्क होता है ना बेटा सर्विस प्रोवाइड बाय मार्केट और बोर्ड और सर्विस प्रोवाइड एजेंट फॉर सेल और ऑफ़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो कमीशन जो लिया है एजेंट उस पे नहीं लगेगा प्लस सर एपीएमसी मार्केट या अनाज मंडी ने मंडी शुल्क लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा सर ध्यान इन वेयर हाउस ऑफ एग्रील टैक्सेबल कर दिया है अगले पॉइंट था क्या फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टैक्सेबल है पर देखिए मैंने बोर्ड मार्क किया अगर आपने मेरे फार्म पे आके फ्यूमिगेशन की सर्विसेज दिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए तो उस पर जीएसटी पर अगर आपने वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जाके वेयर हाउस में जाके फ्यूमिगेशन किया तो इस पे जीएसटी लगेगा साहब देन सर सिंस राइस वहां एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कवर नहीं था इसलिए लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस अलग से एग्जाम किया पर कमीशन एजेंट ऑफ राइस नहीं है कभी भी दैट इज टैक्सेबल देन सर वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आर प्रोड्यूसो एग्जामी सरकार फिर वेयर हाउसिंग ऑर स्टोरेज ऑफ सीरियल्स पलसेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर एक्सम फ्रॉम जीएसटी पर अगर आपने सर खोपरा कॉफी टी तेंदुलिव शुगर कैन जैग आपने सर मान लो प्रोसेस्ड फूड आपने स्टोर किया है बेटा सर या स्पाइसेस मसाला जो उसका आपने किया, किया, तो फिर, सर, प्रोसेस फिर जॉब वर्क सर खेती से रिलेटेड आपने कोई जॉब वर्क बेस मतलब बीच प्रोडक्शन प्रोसेस किया है और आपसे आपने मेरे से फीस लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा पर सर एक सर्कुलर था सर्कुलर नंबर को कन्वर्ट करो राइस में सर क्या होता है पैडी रो राइस होता है जिसके अंदर सर हस्किंग हस्क husk होता है सर डी हस्क करके राइस का दाना बाहर निकालते हैं वो डी हस्किंग प्रोसेस राइस मिलर्स करते हैं तो वो यहां पे सर्कुलर ने बोला कि ये इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं ये तो प्रोडक्शन होने के बाद की प्रोसेस है इसलिए डी हस्किंग ऑफ पैडी टू कन्वर्ट इट इंटू राइस दिस प्रोसेस के लिए जो राइस मिलर्स ने चार्जेस लिए दैट विल बी चार्जेबल टू जी सरकार फिर प्री कंडीशनिंग प्री कूलिंग राइपनिंग वैक्सिंग और रिटेल पैकिंग लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स

मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर पर्स राइस तो उसके ट्रांसपोर्टेशन पे भी जीएसटी नहीं लगेगा देन आर्टिफिशियल ऑफ स्टॉक पे भी रिपीट किया क्योंकि वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है अदर देन हॉर्सेस सर एग्जाम्पल जीएसटी से हाउस को स्लोडर हाउस को टैक्सेबल कर दिया ध्यान देना बेटा देन सर मान लो मैं किसान हूं और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेटरी या लोकल अथॉरिटी से मैंने सर कोई रॉयल्टी बेस पे खेत लिया बेटा जिसपे मेरे को गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे करना और आई एम एन इंडिविजुअल फार्मर क्लियर और मैंने गवर्नमेंट से लिया राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर दी पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा जो भी रॉयल्टी में गवर्नमेंट को पे हूँ उस पर जीएसटी नहीं लगेगा फॉर दी पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर अगर है तो देन सर आपने सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन इरेक्शन कमिशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर और एग्रीकल्चरलिस्ट फॉर एग्रीकल्चर यूज तो सर जो आपने चार्जेस लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा देन सर नेशनल सेंटर फॉर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो बनाया हुआ साहब इन्होंने जो चार्जेस लिए फास्ट रिविजन के लिए सो दट बिफोर द एग्जाम आपने सिलेबस को बहुत जल्दी इफेक्टिवलीफिशियंटली कवर कर पाए एंड अपने कंट्रोल में ला पाए इसलिए पूरा कॉन्सेंट्रेशन याद रखना सुपर फास्ट नहीं हुए तो रिविजन का मतलब नहीं रहेगा क्लियर सर विजन तो आपने लेक्चर में तैयार किया होगा पड़ते हुए बताया होगा ये रिविजन है सरकार आइए एडुकेशन रिलेटेड सर्विसेज फर्स्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ कोई भी सर्विस हो सर भले एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाली सर्विस दे रहे हो सर आप कोई मान लो स्टूडेंट है वो स्कूल से निकल रहा है तो सर उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है या टीसी बोलते हैं ना सर उसके लिए कोई फीस लिया स्कूल ने जीएसटी नहीं लगेगा सर एनी सर्विस भली बस की सर्विस के लिए बच्चों से फीस लिया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सब कुछ कवर है बेटा अच्छा सबसे पहली बात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में कौन कौन है पहले वो पढ़ लेते हैं हम सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में तीन तरह के इंस्टीट्यूशन आते हैं फर्स्ट सर स्कूल भले वो प्री स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो हैविंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज अप टू एजुकेशन अप टू हायर सेकंड सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट इसमें भले ही स्कूल हो या इंडियन स्कूल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है भले वो इंटरनेशनल स्कूल हो भले वो सर सरकारी स्कूल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अपू हायर सेकंडरी स्कूल और इक्वल ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक का क्लास का फिर यहाँ पे कॉलेज आईसीआई कवर होता, आई ही होता है एजुकेशन पार्ट ऑफ अरिकुल क्वालिफिकेशन रिकॉन्नाइज बाइ लो फॉर दाइमिंग इन फोर्स ऐसा आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो जो भी फीस अपने बच्चों से लिया उसमें जीएसटी नहीं लगेगा देख सर एजुकेशन पार्ट ऑफ एन अप्रूव्ड एन 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 अप्रूव वोकेशनल एजुकेशन कोर्स अगर तो भी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो अब साहब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को कोई सर्विस दी है तो इट इज एक्साम जीएसटी कोचिंग क्लास वाले सर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में नहीं आते फॉर दी पर्पज ऑफ जीएसटी क्योंकि वो कोई डिग्री रिकॉन्नाइज बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं दें सर services by an educational institution by way of conduct of entrance examination against consideration in the form of entrance fee uspe bhi gst nahi lagega ab sir aa raha hai kya services provided to educational institution सर ध्यान यहाँ पांच पॉइंट कवर है पाँच पर पांच में से ये first तीन जो है these are only for schools आपको पता है बेटा ये बात बताई थी मैंने आपको सर दिस थ्री पॉइंट ओनली फॉर स्कूल्स पढ़ना अगर आपने स्कूल को सर्विसेज दी कौन सी सर ट्रांसपोर्टेशन स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ सर स्कूल के पास खुद की बसेस नहीं थी उसने आपको बोला कि आपको मॉर्निंग और इवनिंग में मॉर्निंग और आफ्टरनून में बच्चों को लेकर आना घर से और उनको छोड़ के आना है उसकी सर्विसेज आपने स्कूल को दी तो इट इज एक्सम फ्रॉम जीएसटी स्कूल में बच्चों से पैसा लिया उस पर भी जीएसटी लगेगा क्लियर पर आपने अगर कॉलेज सर्विस दी होती तो टैक्सेबल होगी बेटा अच्छा स्कूल हो कॉलेज हो या वोकेशनल ट्रेनिंग वाला कोर्स हो सर इन्होंने अगर बच्चों से फीस लिए ऑलवेज एक्सम फ्रॉम जीएसटी

ये रहा सर अगर आपने हायरिंग और मोटर व्हीकल की सर्विसेज दी है किसको ऐसे किसी पर्सन को जो स्कूल को ट्रांसफर ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की सर्विस दे रहा तो वो दे रहा है तो वो भी एक्साम जीएसटी में क्लियर आइए बच्चों सर फिर आपने स्कूल को सर्विस दी कौन सी कैटरिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग एनी मिड डे मिल स्कीम सर्विस स्पॉन्सर्ड बाई दी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेटरी पद्याद्धा बढ़ा ये इंक्लूडिंग मिड डे मिल स्कीम है कोई भी कैटरिंग सर्विस हो जैसे स्कूल का एनुअल डे प्रोग्राम हो रहा था उसमें आपने कैटरिंग सर्विस दी है किसी बाहर के गार्डन में हो रही थी वहां पर आपने कैटरिंग सर्विस दी स्कूल को जीएसटी एक्जाम बेटा अब सर स्कूल को आपने सिक्योरिटी क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज दिए पर यहां पे खास बात ध्यान रखना सर क्लीनिंग सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग सर्विसेज शुड बी परफॉर्मड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रीमिसिसस के यहां अगर आपने सर्विसेज दिए तो ही जीएसटी एग्जम्प्ट है अदरवाइज जीएसटी यहां पे एग्जम्प्ट नहीं है पर कैटरिंग सर्विस आप कहीं पे भी दो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा

आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं सर अब देखना बेटा स्टेट और सेंट्रल बोर्ड सर होता है ना सर बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं हमारे स्कूल में तो सर सेंट्रल और स्टेट बोर्ड एजुकेशनल बोर्ड जो होते हैं उनको फॉर द लिमिटेड पर्पजे ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना गया है इसलिए आप देखना बोर्ड के लिए जब आप एक बोर्ड के एग्जाम जब होते तो आप एग्जाम फीस देते हो इट इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी सेकंड थिंग अब बोर्ड क्या होगा बेटा यहाँ पे ये सर्कुलर भी देगा बेटा

सेम वे और सर्कुलर था उसमें आजकल क्या होता है कॉलेजेस में एडमिशन के लिए टेस्ट होता बेटा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सर इस तरह की उसको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानेंगे और उसने जो फीस ली बच्चों से उसको जीएसटी रहेगा फोर्थ लिमिटेड पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एक्जामिनेशन उसको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना गया है किसको सर देखिए एग्जाम्पल के लिए एनी ऑथोरिटी बोर्ड और बॉडी सेटअप बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्मेंट इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी ट्रीटेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द लिमिटेड पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कई सारे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आजकल इस तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आपने फीस दिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि आपने फीस दिया किसको ऐसे किसी बोर्ड को अथॉरिटी को या बॉडी को जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया किसके लिए आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बेटा क्लियर डन सर अब जैसे फूड आप सप्लाई करते हो आंगनबाड़ी वगैरह में आंगनवाड़ी क्या होता सर, हाँ है बेटा सर इट्स अ प्री स्कूल विच इज रन बायर्मेंट हा ना बेटा तो ये भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है और वहां पे कोई फूड सप्लाई क्या मतलब कैटरिंग सर्विसेज या एनी फूड सप्लाई टू सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल है बेटा एक्सम फ्रॉम जीएसटी भले ही सर सच आर फंडेड बाय गवर्नमेंट ग्रांट एंड और कॉर्पोरेट डोनेशन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कैटरिंग सर्विसेज टू स्कूल आर एक्जम फ्रॉम जीएसटी देखिए बेटा ज टू स्कूल फ्रॉम जीएसटी वो तो इंक्लूडिंग मिड डे मिल था बेटा जरूरी स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी हो या यूनियन टेरेटरी हो कोई भी उसे कोई फर्क नहीं रहा है सर्विसेज होता ना सर कॉलेज में मैस फैसिलिटी और फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइड बाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट एग्जामी पर सर मैस फैसलिटी और फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइड बाय

ज इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी अच्छा कॉलेज ने अगर बच्चों से पैसा लिया है समोसे का तो इट इज ऑलवेज एग्जामबिलिटी ऑफ जीएसटी बाई आई आई एम आपको बताया सर आई को भी अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में कवर कर दिया गया है इसलिए आई एम ने जो भी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन कोर्स के लिए फीस चार्ज किया है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा पर शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स जैसे पांच दिन का आ, डिप्लोमा कोर्स कराया दस दिन का डिप्लोमा कोर्स कराया तो शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स होते जो लेस देन वन ईयर के होते साहब इट विल भी चार्जेबल टू

स्टूडेंट फैकल्टी ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की सर्विस दी इट इज एक्सम फ्रॉम जीएसटी और उसने किसी से मोटर हायर पे लिया इट इज ऑल्सो एजन फ्रॉम जीएसटी हमने बात ऑलरेडी कर ली सर देन एनी सर्विस प्रोइेड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप बाय द गवर्मेंट ऑफ इंडिया या फिर सेक्टर स्किल काउंसिल अप्रूव बाई द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन असमेंट एजेंसीड अप्रूव बा स्किल काउंसिल और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या फिर अ ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और द सेक्टर स्किल काउंसिल इन रिलेशन टू वॉट

Training, of and उसने की अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमेंटलीस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट और मोर ऑफ दोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दी ट्रेनिंग इज पेड बाई देंट्रल गमेंट स्टेट यूनियन टेटरी सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्मेंट या, 30, uh, sorry, government, government या, या नहीं है तो ऐसे केस में ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर

ओ भाई गिटार सीखने गए क्या पढ़ो सर्विसेज बाय वे ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर देना बच्चों क्वेश्चन बनते एग्जाम में गलती हो सकती है सर डांस सीखने गए डांस सीखने वाला कौन था इंडिविजुअल टीचर था उसने तो नहीं लगेगा पार्टनरशिप हम था कंपनी दी टैक्स लग जाएगा बच्चों क्लियर अच्छा स्पोर्ट्स सीखने गए स्पोर्ट्स सिखाने वाला कौन होना चाहिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो सेक्शन नंबर ट्वेल्व है ट्वेल्व ए बी में रजिस्टर्ड है अगर वो चैरिटेबल एक्टिविटी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं है और किसी और पर्सन ने अगर स्पोर्ट सिखाया है तो साहब तो जीएसटी तो तो लग जाएगा बच्चों मतलब सर आर्ट्स और कल्चर सीखने गए तो इंडिविजुअल सिखाएगा तो जीएसटी है स्पोर्ट्स सीखने गए तो चैरिटेबल एंडी सिखाएगी तो जीएसटी एक्जेंट है अदरवाइज टैक्स लग जाएगा बच्चों आइए एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विसेज सबसे पहली बात सर अगर आपने म्यूजियम नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व या जू का कोई एंट्री टिकट लिया है फॉर एडमिशन तो एंट्री टिकट पर जीएसटी नहीं लगेगा सेकंड प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट देखने का जैसे ताजमहल हाँ बेटा दिल्ली में जंतर मंतर या देखने गए हो तो सर उसका जो एंट्री टिकट है उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा देन सर अब देखना बेटा ध्यान से सर एंट्री टिकट लिया आपने किसके लिए ये चार पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे पांच सौ रुपए पर पर्सन तक का टिकट है तो ही जीएसटी एक है पांच सौ एक रुपए वो तो पूरे पांच सौ एक पे टैक्स लग जाएगा सर कहा, कहा गए आप देखो ना ध्यान से बेटा डांस सॉरी फर्स्ट सर्कस डांस और थियेटरकल परफॉर्मेंसेज इंक्लूडिंग ड्रामा और बैले देन अवार्ड फंक्शन कॉन्सर्ट फैशन शो

डांस देखने के अब आप डांस कर रहे हो क्लियर डांस करने के पैसे मिल रहे बेटा पर कौन सा डांस सर वेस्टर्न नहीं हो फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ डांस म्यूजिक और, और थिएटर उसके लिए जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है उसने अगर पर परफॉर्मेंस सर एक लाख पचास हजार रुपए तक का फीस लिया तो जीएसटी नहीं लगेगा पर अगर आपने एज अ ब्रांड एम्बेसडर को फीस चार्ज किया तो जीएसटी लग जाएगा क्लियर डन अच्छा एक लाख इक्वन हजार रुपये चार्ज तो लग एक एक जाएगा बेटा क्लियर पर एज ए ब्रांड एम्बेडर तो दो हजार लगेगा बेटा देन सर अगर आप एक टूर ऑपरेटर जो इंडिया के हो आपने फॉरेन टूरिस्ट को टूर कराया है विच इज कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया पूरा पूरा टूर अगर आउटसाइड इंडिया हुआ है फॉरिन टूरिस्ट को अगर आपने कराया तो ऐसे केस में भले टूर ऑपरेटर इंडिया का है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा पर सर अब पॉइंट फाइव एड है पर सर मान लो पार्टली इंडिया में टूर हो रहा था पार्टी आउटसाइड इंडिया टूर हो रहा था बेटा तब ऐसे प्रोपोशन एग्जीशन तो मिला ची नहीं उसने फाइव ए आया और बोला क्या अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल दुबई का कोई टूरिस्ट है

प्रोपोर्शन करके देखो विच एवर लोअर जो अमाउंट आएगा फ्रॉम जीएसटी परसेंट हो गया है ना बेटा, मतलब लाख 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 का तो में से इस फॉर्मुला के हिसाब से और दस लाख का फिफ्टी परसेंट कितना फाइव इज लोअर पांच लाख पे जीएसटी रहेगा मतलब मैक्म फिफ्टी परसेंट मिलेगा अगर अगर पार्ट ऑफ इंडिया इंडिया टूर हुआ है पार्टली इंडिया में हुआ है टूर तो पर सर ध्यान दीजिएगा एक बार और सरकार अगर मान लो सर वो पार्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ इंडिया था पार्ट ऑफ द इंडिया में था टूर तो ऐसे केस में प्रपोशन जो करना नंबर ऑफ डेज के हिसाब से करना है पर अगर सर ट्वेल्व आवर्स या उससे कम रुका है तो ऐसे केस में उसको हाफ डे मानेंगे एंड लेस देन ट्वेल्व आवर्स है तो उसको हाफ डे मानेंगे एंड सर ट्वेल्व आवर्स और उसके ऊपर अगर है तो उसको वन डे पूरा मानेंगे जैसे मान लो दस दिन में से सर छह दिन तो हो रहा कहा चलो मैं ऐसे बात करता हूं छह दिन रहा दुबई और चार दिन और पांच घंटे रहा है इंडिया में तो ऐसे केस में सिंस वो चार दिन और पांच घंटे रहा है तो हाफ डे माना जाएगा मतलब साढ़े दस दिन का हो गया बेटा टेन पॉइंट फाइव डेज का क्लियर यही अगर आवर्स का वो होता तो इलेवन डेज का मान लेते हैं है ना भाई डन अडिंगलीग्जाम्पल देकर समझाया बच्चों आइए सर अब सर सर्विस टू आर रिकॉग्नाइज बॉडी इंडिविजुअल प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बायोगनाइज स्पोर्ट्स बॉडी बेटा इवेंट शुड बी ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी और उसमें किसी इंडिविजुअल ने एज अ प्लेयर ये कई बार एग्जाम क्वेश्चन आया है प्लेयर रेफरी अंपायर कोच और टीम मैनेजर

एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर द डीफ पैरोल्पिक कमिटी ऑफ इंडिया और स्पेशल ओलम्पिक्स भारत देन अगर स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेइज किया था बाय सेंट्रल सिविल सर्विज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड या स्पोर्टिंग इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज एज ए पार्ट ऑफ द नेशनल गेम्स बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और अंडर द पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान स्कीम तो सर इन्होंने स्पॉन्सर इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया अपने स्पॉन्सर किया तो स्पॉन्सर के अमाउंट पर जीएसटी एक्जम थे फिर सर फीफा फीफा अंडर सेवनटीन वुमेन्स वर्ल्ड कप टू जो सर हो गया अब कोई कंसर्न नहीं है सरकार यहां पर ये इवेंट को देखने के लिए अगर आप गए उस लिए एंट्री टिकट अगर आपने लिया तो जीएसटी सेकंड थिंग सर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए फीफा या उसकी सब्सिडी को आपने कोई सर्विस दी है या फीफा ने कोई सर्विस दी तो इट इज ऑल्सो फ्रॉम जीएसटी क्लियर सेम वे फीफा अंडर सेवनटीन वर्ल्ड कप टू वो भी हो गया सब उसका अब रिलेवेंस नहीं है पॉइंट कैसे बताया आपको बेटा अदरवाइज रिलेवेंट नहीं है सेम वे सर ए एफ सी वोमेंस एशिया कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सर टू बी होस्टेड इन इंडिया इसने एफ सी ने जो इवेंट इंडिया में किया है उसको आपने कोई सर्विस दी है या इन्होंने एफ ने आपको कोई सर्विस दी है तो इट इज फ्रॉम जीएसटी सेम वे टी टिकट अगर आपने लिया है इस इवेंट को देखने के लिए तो ऑफ इेस्पेक्टिव फीस मतलब एन टिकट नॉर्मली स्पोर्टिंग इवेंट के पांच सौ रुपए परसेंट तक होता तो जीएसटी एक्जाम इन सारे केस में पांच हजार रुपए का टिकट हुआ पचास हजार का टिकट हुआ तो भी जीएसटी एग्जाम रहेगा आइए सरकार ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विसेज सर ट्रांसपोर्ट सेक्टर आ गया बच्चों आपके लिए दिल थाम के सुनेगा सर सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स सर सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट ऑफ के लिए क्या क्या एक्सम्पन है सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउट अकम सबसे पहली बात विद और विदाउट अकम का मतलब क्या बेटा सर लगेज अगर मान लो आपके पास जो लगेज है उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया उन्होंने तो उसका ट्रीटमेंट भी वही होगा जो पैसेंजर टिकट का होता है मतलब पैसेंजर टिकट अगर एग्जेंट है तो अकमंड बिलोंगिंग अलग से चार्ज दे तो वो भी एक्सम रहेगा और अगर पैसेंजर टिकट पर टैक्स लगता है तो अकाउंट बिलोंगिंग पे भी टैक्स लगेगा सर ये मीनिंग है इसका विद और विदाउट अकमोंगिंग का सरकार फर्स्ट अब ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स बाय रेलवे सर ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स विद और विदाउट अमोंगिंग

आइलैंड है बेटा सर मुंबई सर गेट ऑफ इंडिया से आपको अलीबाग अगर जाना है तो वहां पे आप जो होती है ना सर वहां फेरी चलती बोट चलती है बेटा उसका अगर आपने आ, हेल्प लिया उसका आपने सर्विसेज लिया है तो इट इज अ ट्रांसपोर्ट पैसेंजर की सर्विसेज क्लियर

ट इज एक्स फ्रम जीएसटी भले ही वो जो वैस है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब विच इज अवेलेबल फॉर पब्लिक जरूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट का हो क्लियर प्राइवेट पार्टी का तो भी कोई दिक्कत नहीं एग्जेम रहेगा बट इट शुड बी अदर देन फॉर टूरिज्म पर्पज अगर शिकारा क्रूज वगैरह हम जा रहे हो तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी बेटा हाँ है ना भाई सर अब मिटर केबल और ऑटो रिक्शा विल भी एग्जाम जीएसटी इंक्लूडिंग ई रिक्शा सर मिट्टर ऑटो रिक्शा से अगर आप ट्रांसपोर्ट पैसेंजर कर रहे हो इंक्लूडिंग ई रिक्शा तो जीएसटी इज एक्जेट पर अगर आपने ओला उबर के थ्रू बुक किया है जहां पर सेक्शन नाइन फाइव का होता है बेटा तो ऐसे केस में टैक्स लग जाएगा ध्यान देना बेटा इट इज नॉट एक्ज फ्रॉम जीएसटी अगर आपने मिटर ऑटो रिक्शा बुक किया है किसके थ्रू ओला उबर के थ्रू तो टैक्स लगता है बच्चों उस पर देन आइए अब ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स विथ और विदऊिंग बाय एयर सर याद करो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वो सेवन स्टेट्स और एक ब्रदर सिक्किम और एक डोकरा बाग डोगरा सर ये नाइन प्लेस पे बाय एयर इकोनॉमिक क्लास में अगर आप वहां गए हो या वहां से आए हो तो फ्लाइट के टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा कहां का वो सेवन सिस्टर कौन कौन सी बेटा सर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आसाम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा सिक्किम और एट बाग डोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल यहां अगर आप गए हो इकोनॉमिक क्लास में तो फ्लाइट टिकट पर जीएसटी नहीं लगेगा वहां गए हो या वहां से आए हो दोनों टिकट पर जीएसटी नहीं लगता है सर देन नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रेक्ट कैरीज में

फिर नॉन एसी स्टेज फ्रॉम जीएसटी नॉन एसी स्टेज करीज से ट्रांसपोर्ट पैसेंजर की सर्विस दी तो जीएसटी नहीं लगेगा अच्छा अगेन के दिया अगे भले वो कॉन्ट्रेक्ट करीज हो नॉन एसी कॉन्ट्रेक्ट करीज हो या नॉन एसी स्टेज करीज हो अगर आपने सर ओला उबर के थ्रू बुक कराया है सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुक कराया जो सेक्शन नाइन सेक्शन फाइव में कवर होता तो जीएसटी लग जाएगा अदरवाइज जीएसटी नहीं लगेगा भारत माता की जय सरकार अब एक और पॉइंट आया एक सर्कुलर सर्कुलर भी तुम्हें बताया बच्चा में सर ध्यान बच्चा यहाँ पे आपने सर जैसे बस है आज गवर्नमेंट की बस हो गई रोडवेज बसेस हो गई बेटा बेस्ट मुंबई के अंदर बेस्ट की बसेस हो गई बस में स्टेज के रेज नॉन एसी स्टेज के में अगर आप ट्रांसपोर्ट पैसेंजर की सर्विस है तो जीएसटी नहीं लगता बेटा पर आपने बस की बस किराया पर ले ली तो क्या वो है क्या नहीं ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस एक्समड बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विसेज इन

बस अपने रूट के हिसाब से अपने टाइमिंग के हिसाब से अपने शेड्यूल के हिसाब से चल रही है तो दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस रेंटिंग कब है बेटा जब आपने बस बस की बस हायर क्या रहती है टाइमिंग के हिसाब से आपके आपके रूट के के हिसाब हिसाब से से शेड्यूल चलती है बेटा तो उसको बोलते रेंटिंग बेटा क्लियर अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पैसेंजर हुआ तो जी नहीं लगेगा रेंटिंग तो टैक्स लग जाएगा बच्चों क्लियर ये किया है नेक्स्ट सर सर आजकल गवर्नमेंट अपने उड़ान प्रोजेक्ट के थ्रू छोटी छोटी सिटीज में भी सर एयरक्राफ्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के, के लिए वहां एयरपोर्ट डेवलप कर रही है तो वहां पे उन एयरपोर्ट को बोलते हैं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट वहां पर सर बेटा वहां पे जो पैसेंजर्स फ्लाइट से आते हैं जाते हैं उनका जो टिकट अमाउंट होता है उसको कम करने के लिए फर्स्ट तीन साल के लिए पता है क्या करती है सर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है एयरलाइंस को कि उस टिकट का फिफ्टी पैसा गवर्नमेंट से लेना बेटा मतलब टिकट का अमाउंट हो दस हजार रुपये तो पैसेंजर से केवल पांच हजार लेंगे और पांच हजार रुपये किससे लेगी वो एयरलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट से लेगी तो सर सर्विसेज प्रोवाइड टू सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियर इस तरह की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट जाने के लिए या आने के लिए हा ना बेटा तो सर उसके लिए जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है उसको थ्रू थ्रुवाबिलिटी के फंडिंग उस फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा मतलब वो पांच हजार रुपये जीएसट नहीं लगेगा जो गवर्नमेंट से चार्ज कर रहा है एयरलाइंस देन सर अब ट्रांसपोर्ट गुड्स रिलेटेड पॉइंट आगे सारे सर, सर सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी गुड्स बाय रोड एक्साम फ्रॉम जीएसटी एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ अ जीटीए और अ कुरियर एजेंसी जीटीए या कुरियर एजेंसी के थ्रू आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का सर्विस लिया है बाय रोड तो ट्रांसपोर्ट गुड्स सर्विस ली तो इट इज जीटीए और कुरियर के थ्रू ली तो टैक्सेबल रहेगा बाकी सारे केस में बाय रोड अगर, अगर आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स किया तो जीएसटी रहता है देन से अगर, अगर आपने ऑफ गुड्स किया तो जीएसटी है सर सेम वे यहाँ पे भी वो सर्कुलर आया और सर्कुलर बोलता है क्या अगर आपने ट्रक की ट्रक ले जिसमें माइनिंग वालों हूँ बेटा मैंने क्या किया बेटा ट्रक या अदर फ्रीट वहीकल्स लीज पे ले लिए बेटा या हायर पे ले लिए बेटा सर रेंट पे ले लिए जहाँ पे क्या होता है बेटा मैं अपने जहाँ पे मेरा माइनिंग हो रहा है माइनिंग से सर अपने स्टॉक करने के लिए कहीं किसी और प्लेस पे गुड्स ले जा रहा हूं या अपने क्लाइंट के प्लेस पे ले जा रहा हूं या प्लांट पे गुड्स ले जा रहा हूं उसके लिए मैंने ट्रक हायर पे लिए तो क्या हो रहा है ट्रक मेरे रूट के हिसाब से मेरे टाइमिंग के हिसाब से और मेरे शेड्यूल के हिसाब से चल रही है साहब तो वो हायरिंग ऑफ ट्रक में आएगा और ऐसे केस में वो रेंट वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के स्कोप में नहीं आएगा बेटा क्लियर सर तो ऐसे केस में इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी ट्रांसपोर्ट गुड्स कब होगा? जब जो ट्रक वाला है बेटा वो उसके रूट से उसके चल रहा है तो ऐसे के, यहाँ पे वो नहीं के रेंटिंग तो जीएसटी लग जाएगा बच्चों बाय एयरक्राफ्ट सर आउटसाइड इंडिया से अपटू कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया तक का गुड्स कोई आता है तो उसके आठ पे जीएसटी नहीं गुड्स इंडिया में आ रहा है बाय एयर अगर आ रहा है तो सरकार आउट ऑफ इंडिया से अप टू दी कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इंडिया तक के फ्रेट पे जीएसटी नहीं लगेगा सरकार फिर ध्यान देना बेटा एयरक्राफ्ट हो या वेसल हो इंडिया से अगर आउटसाइड इंडिया गुड्स ले आ रहे हो इंडिया से अगर आउटसाइड इंडिया गुड्स ले, ले आ रहे हो तो नाउ इट इज टैक्सल थार्टी सप्टें टू था अक्टूबर दो हजार बाईस इंडिया से अगर ले 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 रहे हो बली ले जाओ बली ले जाओ जो होगा उस गुड्स में तो जीएसटी बस सर फिर आता है क्या सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस इसरो नाम तो बहुत सुन लिया बेटा हम सब दुनिया ने सर नाम सुन लिया है और धमाका मचा दिया हिंदुस्तान ने सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज प्रोवाइड बाय दी इसरो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड सर्विसेज़ बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉलोइंग गुड्स बाय रेलवे वेसल रेलवे वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस इन इंडिया ऑफ दी फॉलोइंग गुड्स अगर हमने ट्रांसपोर्टेशन किया तो जीएसटी नहीं लगेगा कौन कौन सी गुड्स फर्स्ट रिलीफ मटेरियल मैं विक्टि ऑफ नेचुरल और मैनेजमेंट डिजास्टर्स कैलॉमिज एक्सीडेंट्स और मिशे देन डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट न्यूज पेपर्स और मैगजीस रजिस्टर्ड विद रजिस्टर ऑफ न्यूज पेपर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमने आगे इस पॉइंट को यही से उठा के आगे डाला था वाले में। Then, milk, salt, grain, floor, pulses, rice, और अगर अगर वे, तो जीटी लिए लिए ने इन्हीं गुड्स का अगर ट्रांसपोर्टेशन किया तो भी जीएसटी बेटा जीटीए के लिए पहले दो पॉइंट एक्स्ट्रा थे उनको काट दिया गया है अब कोई कंसर्न नहीं है पहले क्या था बेटा अगर इंडिविजुअल कैंसैनिकले सात सौ पचास या उससे कम वाले फ्रेट वाले ट्रांसपोर्टेशन किया गुड्स का जो फ्रेट चार्ज के से कम तो जीएसटी था कुछ भी नहीं है बेटा पूरी ट्रक में जितना भी गुड्स का पंद्रह सौ रुपये से कम तो जीएसटी एक्जाम था ऐसा कुछ भी नहीं है बस ये गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया तो जीएसटी विल भी एग्जाम बात खत्म बेटा देन जीटीए सर हम ऑलरेडी रिवर्स

गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह को तो उस पर जीएसटी क्या है एग्जेमट है देन सर ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्विसेज विच आर विद ट्रांजिट कार्गो टू और टू नेपाल और भूटान विच आर कॉल्ड लैंडलॉक कंट्री नेपाल भूटान को गुड्स ले आ रहे हो सर उससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजिट सर्विसेज या ट्रांजिट कार्गो से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज है कार्गो हैंडलिंग सर्विस होगी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होगी ओल हो आर एक्स फ्रॉम जीएसटी ट्रांजिट इंश्योरेंस ट्रांसिट भी जीएसटी से है अच्छा एक सर्कुलर आया वो बोलता क्या मान लो कोई ट्रक गई गुड्स लेके अब वो ट्रक ने गुड्स अनलोड कर दिया नेपाल भूटान में अब वो खाली ट्रक आएगी भी तो है अब खाली ट्रक का जो रिटर्न का जो चार्जेस है वो भी एक्जाम रहेगा जीएसटी में इस सर्कुलर ने क्लियरिफाई किया तो इसका मीनिंग होगा कि ऑफ आर सर्विसेसर्विस टू एंड फ्रॉम नेपाल भूटान आर एक्साम फ्रॉम जीएसटी बेटा क्लियर डन देन सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू ए स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स सर या फिर आपने लोकल तोड़ी को इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल टू री मोर देन पैसेंजर अगर आपने हायरिंग भी दिया जीएसटी एक्जाम रहेगा जीटी को आपने ट्रक दिए या मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट ने किराया दिया जीएसटी एक्जाम रहेगा आपने गे, गे। गे। सर वो स्कूल को याद है बेटा स्कूल ये पॉइंट हम पढ़ चुके आगे स्कूल को आपने कोई मोटर वाइकिल रेंट स्कूल को तो जो पर्सन सर्विस दे रहा है ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की उसको आपने मोटर वाइकिल रेंट पे दिया जीएसटी विल बी एग्जाम और हाँ ध्यान देना बेटा सर्कुलर ने क्लियरफाई करके बुलाया कि हायरिंग इंक्लूड्स रेंटिंग ऑल्सो गिविंग मतलब हायर पे दो या रेंट पे दो इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन ट्रांसफर हो या ना हो दोनों सेम बात है दोनों ही एक्साम्पल रहेंगे जीएसटी में इन फॉलोइंग केसेस में बेटा क्लियर सर देन टोल चार्जेस सर सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्ज टोल चार्ज पर जीएसटी नहीं लगेगा अच्छा ध्यान बच्चा अगर किसी

बाय वे ऑफ परमिट ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट द्रूआउट इंडिया और स्टेट्स इज एक्सम फ्रॉम जीएसटी तो जो उनको परमिशन मिलता है लाइसेंस मिलता है नेशनल परमिट मिलता है उसके चार्ज में जीएसटी लग जाएगा क्लियर डन ये आपका ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सारी सर्विसेज भी खत्म होती है अब अब कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज आ रहा है आपके सामने देना ये मेगा लिस्ट अगर आपने ध्यान से दो तीन बार रिवाइज कर लिया तो एग्जाम्स के अंदर पॉइंट आपको क्लिक करेंगे ये मेगा आपको मैंने लेक्चर में बताया बार बार सर इसको पढ़ने का तरीका मैंने आपको समझा रखा है आपको एक एक पॉइंट टिप पर याद करने की जरूरत नहीं है आप केवल इन पॉइंट को इफेक्टिव अगर सुनेंगे तो भी आपका रिविजन अच्छे से हो जाएगा बच्चा क्लियर पे एग्जाम में क्लिक होना चाहिए कि बच्चा क्लियर डन आइए नेक्स्ट बेटा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज सरकार आइए फर्स्ट अगर आपने अपने लिए नया घर बनवाया है सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट नहीं कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं सिंगल रेजिडेंशियल परिवार के लिए बनता है तो ऐसे की सर्विस दी है तो उस पर जीएसटी रहेगा सर मटेरियल लेबर की सर्विस दी तो टैक्स रह, तो लग जाएगा अच्छा रिपेयरिंग रिनोवेशन किया तो टैक्स लग जाएगा केवल नए कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं मैं सर नेक्स्ट आ रहा है क्या सर प्रधानमंत्री आवास योजना या हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन के थ्रू

सर वो फ्लैट तोड़े नए फ्लैट बनाए हैं सब तो वहां की सोसाइटी ने मेरे को डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किए या लॉन्ग टर्म लीज थर्टी और मोर देन थर्टी मेरे को लीज पे लेंड दिया है या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया या फिर एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया है सर इसकी जो वैल्यू उस पर टैक्स मेरे को पे करना पड़ता है रिवर्स चार्ज मेक्रेनिजम में बिल्डर इज लाइबल टू पे टैक्स टू द दर्मेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैक्रेजम प्रमोटर क्लियर वो लाइबल होगा अब साहब यहां पर मान लो 100 फ्लैट बन रहे थे 100 में से 70 फ्लैट बुक हो गए 30 फ्लैट बुक नहीं हुए तो सर 70 फ्लैट में मैं वैसे भी जीएसटी पे कर रहा हूं तो उसके प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट राइट right की वैल्यू पर जीएसटी क्या हो जाएगा एक्सम्ड हो जाएगा और थर्टी फ्लैट के प्रपोर्शनेट डेवलपमेंट राइट लॉन्ग टर्म लीज या एफ एस आई के वैल्यू पर जीएसटी लग जाएगा वहां टैक्स पे करना पड़ेगा बिल्डर को अच्छा कमर्शियल पोर्शन जो होता है बेटा कमर्शियल पोर्शन जैसे मान लो कोई जो बिल्डिंग बन रही है वो फ्लैट नहीं बन रहे वो मान लो सर शॉपिंग मॉल बन रहा है शॉपिंग मॉल बन रहा है तो ऐसे केस में उसके डेवलपमेंट राइट right की वैल्यू पे वगैरह पे सब पे जीएसटी लगेगा रिवर्स आसम बिल्डर को पे करना पड़ेगा टैक्स क्लियर पर सर आप मान लो किसी प्रोजेक्ट में कुछ पोर्शन रेजिडेंशियल है कुछ पोर्शन कमर्शियल है तो रेजिडेंशियल जो होगा उसमें भी जो जितने फ्लैट बुक हो गए उतने प्रपोशनट एरिया के सर जितना एरिया आपका रेजिडेंशियल था उसमें जितने फ्लैट बुक हो गए उतने एरिया के प्रपोशन की डेवलपमेंट की वैल्यू पे जीएसटी क्या हो जाएगा एक्समिट हो जाएगा बाकी डेवलपमेंट की वैल्यू पे पे जीएसटी करना पड़ेगा और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अगर था तो जितने फ्लैट बुक नहीं हुए जैसे एक्साम्पल में थर्टी फ्लैट बुक नहीं हुए तो थर्टी फ्लैट के प्रपोशन डेवलपमेंट की वैल्यू पे जीएसटी लगेगा टैक्स विल तो फाइव परसेंट रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा बिल्डर को रिवर्स रिवर्साइज मै जितने फ्लैट बुक नहीं हुए उतने फ्लैट के प्रपोशनल डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे बेटा क्लियर और अफोर्डेबल हाउसिंग तो एक परसेंट टैक्स पे करना पड़ेगा बच्चों क्लियर डन सरकार आइए रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज फर्स्ट सर घर नहीं है घर किराये पर लिया रहने के लिए तो जीएसटी एक्जमट है पर घर किराये लिए रहने के लिए तो जीएसटी है घर किराय पर लिया किसी और पर्पज के लिए तो टैक्स लग जाएगा बच्चों क्लियर सेकंड थिंग घर किराए पर लिया रेजिडेंशियल डुएलिंग घर हो गया फ्लैट हो गया किराए पे लिया है, रहने के लिए पर किसने अब पर्सन हु जीएसटी और उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उस रेंट को खर्चे की तरह बुक किया तो ऐसे केस में टैक्स लग जाएगा और टैक्स लगेगा वो भी रिवर्स चार्ज लगेगा, और रेसिपेंट विल बी लाइबल टू पे टैक्स तो गवर्नमेंट डायरेक्टली पर हां

इफ क्लेमिंग एज एन एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और फॉर इट्स एम्प्लॉड डायरेक्टर लिए उसने घर किराया अपने बुक्स में खर्चा बुक कर रहा है तो ऐसे केस में जीएसटी चार्जेबल एंड रिवर्स चार्ज मैक्रेस लगेगा पर उस रजिस्टर्ड पर्सन ने घर किराए पर लिया बुक्स ऑफ अकाउंट में खर्चा नहीं दिखाया उसने अपने पर्सनली उसके लिए लिया यार

क्लियर वेदर और नॉट क्लेमिंग एज एन एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और फॉर इट्स एम्प्लॉय डायरेक्टर इट इज ऑल ऑलवेज एक्ज फ्रॉम जीएसटी क्योंकि रेसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में और घर किराया पे रहने के लिए भले अपने एम्प्लॉय के लिए लिया हो खुद के लिया लिया गे लिया। गे लिए आओ जीएसटी एक्जाम रहेगा क्लियर आइए सरकार होटल सर्विसेज पे अब जीएसटी लगा दिया गया है भले रूम रेंट सौ रुपए हो दस हजार रुपए उससे कोई कंसर्न नहीं है इसलिए होटल हो हॉस्टल हो धर्मशाला हो इन सारी सर्विस पे अब टैक्स लग जाएगा क्लियर नेक्स्ट आ रहा है क्या सर्विसेज बाय बाय अ पर्सन वे ऑफ जीएसटी अगर आपने रिलीजियस प्लेस का कोई किराये पे लिया है रिलीजियस प्लेस मेंब्लिक तो ऐसे के इसमें जीएसटी लगेगा पर आपने मान लो कोई मंदिर है उसके अंदर सर कोई हॉल है हॉल किराया पर लिया है और उसका रेंट सर कम्युनिटी हॉल है दस हजार और मोर पर डे तो टैक्स लग जाएगा अगर उस उस रिलीजियस प्ले, प्लेस के अंदर रूम बने हुए है साहब और उसका रूम रेंट जो है वो थाउजेंड रुपये और मोर पर डे होगा तो टैक्स लगेगा नाइन नाइनटी नाइन तक का रूम रेंट है तो जीएसटी नहीं लगेगा ध्यान देना धर्मशाला इज नॉट मैड प्राइमली फॉर कंडक्ट ऑफ रिलीजियस कंडक्ट ऑफ प्रेयर्स वगैरह इसलिए धर्मशाला रिलीजियस प्लेस के स्कोप में नहीं आती रिलीजियस प्लेस अगर होगा उसमें अगर रूम बने हुए हैं तो रूम रेंट नाइन 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 तक हुआ तो जीएसटी एक्सम है अदरवाइज धर्मशाला जो होती है नॉर्मली उसमें रूम रेंट दो रुपए भी टैक्स लग जाएगा बच्चों देन रेंटिंग ऑफ शॉप सर अगर मान लो रिलीजियस प्लेस के अंदर सर होता ना सर जैसे सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई के अंदर अंदर दुकान बनी हुई माला वगैरह के लिए सर तो ऐसे केस में दस हजार रुपए पर मंथ दस हजार और मोर पर मंथ अगर रेंट हुआ तो टैक्स लगेगा दस हजार से कम अगर रेंट है पर मंथ टैक्स नहीं लगेगा शॉप के लिए पर मंथ है बेटा क्लियर अदरवाइज कम्युनिटी हॉल हो गया है रूम के लिए पर डे दे, देखा जाएगा बच्चों आइए बच्चों देन सर याद आया बेटा सर मुंबई एम आई डी सी महाराष्ट्र या गुजरात के अंदर जी राजस्थान के अंदर रिको इंडस्ट्रियल एरिया अरे ना भाई सर स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन या अंडरटेकिंग ने या ऐसी कोई एंटिटी जिसमें एटलीस्ट ट्वेंटी परसेंट और मोर ऑफ दी इक्विटी होल्डिंग किसका है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरेटरी का है या थ्रू एन एंटिटी एनटीटी ओन बाई गवर्नमेंट इस एंटिटी ने सर कोई लैंड या कोई प्लॉट रेंट पे दिया है लॉन्ग टर्म लीज सर थर्टी ईयर्स और मोर देन थर्टी ईयर्स के लिए लीज पे दिया है सर के लिए किसी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री प्रमोट करने के लिए या सर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सर को लैंड दिए जिसका सर लीज अमाउंट लीज रेंट कितने टाइम क्या बेटा थर्टी इयर्स और मोर देन थर्टी इयर्स के लिए है, तो ऐसे केस में सर जो ऑफ्रंट अमाउंट आप पे कर रहे हो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा जीएसटी इज एग्जाम बस इसकी कंडीशन किया बेटा जिस पर्पज के लिए लिया है उसी पर्पज में काम आना चाहिए अगर आप इसको सब लीज पे दे रहे हो आगे तो आपके एग्रीमेंट में ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि सर हमने इंडस्ट्रियल यूज के लिए या डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस के लिए लीज पे लिया इसलिए जीएसटी एग्जेट है तो आप भी इसी यूज में लोगे इस यूज में अगर नहीं लिया तो जीएसटी लग जाएगा और अगर सर पे बोल दिया स्टेट गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करेगा कि इस पर्पस के लिए काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो ही एग्जीमिशन मिलेगा अदरवाइज नहीं मिलेगा प्लस एक सर्कुलर बोला क्या अप्रंट अमाउंट जो आपका पेबल है वो आप वन, आ, वन में पे करो या वन और मोर इंस्टॉलमेंट पे करो इससे कोई कंसर्न नहीं है पर अपफ्रंट अमाउंट हमेशा जीएसटी एग्जी रहेगा सेकंड बात सर कई बार क्या होता है जो प्लॉट है मान लो सर कॉर्नर प्लॉट का रेट ज्यादा है बेटा तो उसको बोलते प्रिफरेंशल लोकेशन चार्जेस या लोकेशन चार्जेस तो उस, वो भी क्या है अफ्रंट अमाउंट ही होता है बेटा अफ्रंट अमाउंट के साथ पे किया तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्लियर देन ये सारे पॉइंट मैंने रिपीट किए जो एग्रीकल्चर मैंने आपको पढ़ाया था बेटा वो सब पॉइंट यहाँ पे मैंने रिपीट किया जैसे सर मैंने खेती करने के लिए सर लैंड रेंट पे लिए मशीन रेंट पे पर जीएसटी नहीं लगेगा सर राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स गवर्नमेंट ने दिया किसको किसी इंडिविजुअल फार्मर को फॉर द पर्पस ऑफ फार्मिंग एग्रीकल्चर तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगता है रिपीट करो बेटा मैं सर वेयर हाउसिंग है बेटा स्टोरेज लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्समटे सेम वे राइस के भी एक्मेशन दे रहा है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वेयरहाउसिंग एक्समिट बेटा वेयरहाउसिंग स्टोरेज ऑफ सीरियल पल्सिस फ्रट्स एंड वेजिटेब्स एक्सम फ्रॉम जीएसटी एग्रीकल्चर बढ़ाने रिपीट कर रेंटिंग रिलेड पॉइंट है ये सरकार गवर्मेंट रिलेटेड सर्विस मस्त पॉइंट है सर सबसे पहली बात ऑल दी सर्विस ध्यान बेटा मस्त हो गए लि, शानदार वाले पॉइंट है बटा बहुत ईजी पॉइंट है सर कॉन्सेंट्रेशन या रखना जितना कॉन्सेंटेशन या होगा उतना इफेक्टिव फास्ट एंड एफिशियंट रिविजन आपके एन पे होने वाला है सरकार नो डाउट सर आपको लगता होगा सर कितना फास्ट है पर सर सर इतना फास्ट बोलने के लिए हमारी भी जान निकल जाती है बच्चों पर अल्टीमेटली ये फास्ट होगा तो ही आपका रिवीजन हो पाएगा टाइमली वरना पता पड़ा दो दो घंटे के लेक्चर देखने लग गए अगर आप तीन तीन घंटे के एक चैप्टर देखने लग गए तो भाई साहब रिवीजन कैसे करोगे एग्जाम टाइम में टाइम ही तो सब कुछ है बेटा टाइम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग अभी एग्जाम के पहले और एग्जाम के टाइम पे बेटा इसलिए ध्यान सुनिए हमारी भी जान निकलती बहुत फास्ट बोलने में पर सरकार पूरा कॉन्सेंट्रेशन दो तीन बार इन लेक्चर को सुनवाला तो लाइफ जिंग ला। सरकार गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज सबसे पहला पॉइंट ऑल दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई दी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी एक्सेप्ट फॉलोइंग फोर इन चार केस में टैक्स लगेगा अदरवाइज कभी भी टैक्स नहीं लगेगा बाकी सारी सर्विस एक्सम टे फर्स्ट है क्या सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट क्लियर सर्विस सेकेंड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स देन सर सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स सर वापस बोलता हूं मैं सर सर्विस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स देन सर्विस इन रिलेशन टू या एयरक्राफ्ट वैसल्ट विद विन देश ऑफ दोर्ट या आउट ऑफ दोर्ट मतलब वैसे एयरक्राफ्ट रिलेटेड कोई भी सर्विस दी है बेटा क्लियर ट्रांसफर ऑफ गुड्स पैसेंजर वाली कोई भी सर्विस दी डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्विस दी टैक्स लगेगा और इसके अलावा इन तीन के अलावा एनी अदर एन सर्विस टू बिजनेस एंडिटी टैक्स लगेगा वो भी रिवर्स चार्ज लगेगा पर सर एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंडिटी में टैक्स लगता है बच्चा अच्छा वहां पर एक पॉइंट बोल दिया क्या अगर बिजनेस एंटिटी सर, जीएसटी में है, रेंटिंग तो लगेगा, पर वहां पे चार्ज लगेगा अगर रजिस्टर्ड है, तो, गवर्नमेंट ने किसको ऐसे किसी बिजनेस एंटिटी को टैक्स लगेगा वो भी फॉरवर्ड चार्ज मैक्रेसिम लगेगा और गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा टैक्स लगेगा बच्चों क्लियर डन सब देना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड इनटर बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट ऑफ देन वेस ग्राम आर एक्सम फ्रॉम जीएसटी तो सर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की पोस्ट चार्ज पर अदरवाइज सारे पोस्ट सर्विस लग, किस किस card, letter, sir, uh, पे टैक्स लग गया है भले रेसिपेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो या कोई भी पर्सन हो प्राइवेट पर्सन हो टैक्स लगेगा स्पीड पोस्ट कराया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पीड पोस्ट सर्विस ली सब टैक्स लगता है बच्चों सर अब, बेटा एनी अदर सर्विस टू बिजनेस टैक्सेबल अंडर जीएसटी वो भी रिवर्स मैकेनिज्म पर पर गवर्नमेंट बोल दिया क्या अगर वो बिजनेस एंटिटी जो रेसिपिएंट है उसका प्रेसिडिंग तो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा मतलब मतलब उसका टर्नओवर लिमिट जो था वो कम था बेटा

पर ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन का अमाउंट हो रूप फाइव थाउजेंड तो जीएसटी एक्जाम कर दिया पर अगेन ये एक्मिशन ऊपर वाले तीन पॉइंट पर नहीं लगेगा ऊपर वाले तीन पॉइंट मतलब ट्रांसफर ऑफ गुड्स पैसेंजर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस और वैसे एयरकार सर्विस बचा क्लियर प्लस प्लस कंट्री सर्विस अगर है तो वहां पर एन एम पांच हजार रुपए देखा जाएगा क्लियर डन फिर आता है क्या सर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने अपने किसी दूसरे डिपार्टमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनिटेड या लोकल अथॉरिटी को सर्विस दी तो जीएसटी नहीं लगेगा क्लियर पर ये पॉइंट ऊपर वाले तीन पॉइंट पर नहीं लगेगा मतलब पोस्ट वेसल एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट गुड्स पैसेंजर वाली सर्विस पे टैक्स लगेगा गवर्नमेंट गवर्नमेंट को सर्विस दी हो बच्चों फिर सर मैंने अपने एम्प्लॉयज के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया वीजा पासपोर्ट ट सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट बनाया उसके जीएसटी उस नहीं लगेगा Then, किसी के उसके फी पे करी। का कभी कार खरीदते नया तो सर रजिस्ट्रेशन कराते हैं बेटा फी पे करना पड़ता है उस पर जीएसटी चेक सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स कंज्यूमर्स एंड पब्लिक एट लार्ज इंक्लूडिंग फायर लाइसेंस फैक्ट्रीज रिकॉर्ड होता है बेटा अंडर एन लॉ फॉर इनफोर्स जीएसटी नहीं लगेगा सेम वे

सरकार जनना की सर्विस पर टैक्स लगा दिया गया है देन के लिए किया जीएसटी नहीं पी एफ का किया जीएसटी नहीं लगेगा कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जीएसटी नहीं लगेगा नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट को आपने कंसल्टेशन पे किया इन फॉर्म ऑफ एडमिन फी जीएसटी नहीं लगेगा आईआरडी की सर्विस पर टैक्स लगा दिया गया है सर सेबी की सर्विस पर टैक्स लगा दिया गया है ध्यान रखना बेटा देन नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोल्ड स्टोरेज वाले से कोई गवर्निंग फी ली टैक्स नहीं लगेगा देन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू आपने आरटी लगा के कोई इन्फॉर्मेशन मंगाई जीएसटी नहीं लगेगा देन अथॉरिटी ने ऐसा कोई काम किया है किसने गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने ऐसा कोई काम किया है जो आर्टिकल नंबर टू डब्ल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है जो काम है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा सेम वे सर ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर टू फोर थ्री जी में कवर है जो पंचायत काम है वो भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने किया तो भी जीएसटी नहीं लगेगा अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेटी अथॉर्ट ने टू फोर्थ टू फोर्थ जी वाला काम किया होता तो वैसे भी वो सप्लाई के में नहीं आता सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन टू क्लोज में बी में लिखा बेटा ये बात क्लियर सर पर अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी ने काम किया तो भी नहीं लगेगा अच्छा साथ साथ में आपको आगे एक पॉइंट और आपने, हाँ, आपने गवर्नमेंट को सर्विस दी है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को दी है अब सर ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर टू या टू फोर्थ जी में कवर था वो आपने काम किया प्योर लेबर का गवर्नमेंट के लिए तो जीएसटी जीएसट पर पे गवर्नमेंटल अथॉरिटी तो नहीं लिखा है मतलब आपने सर्विस दी किसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गर्व या लोकल अथॉरिटी तो को सर्विस दी है प्योर लेबर की तो जीएसटी रहेगा वो भी कौन सी जो आर्टिकल एक्ज रहे जी में कवर है सेम वे मटेरियल प्लस लेबर का सर्विस था कंपोज सप्लाई था पर उसमें सर गुड्स का वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ दोटल कॉन्ट्रेक्ट वैल्यू गुड्स का वैल्यू शुड नॉट एक्सीड

आज जैसे मान लो ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स के लिए किसी प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर से गवर्नमेंट ने कॉन्टेक्ट कर बोला क्या कोई एम्बुलेंस सर्विस आपको देनी है जिसमें इंजेक्शन वगैरह लगाने या जो भी गुड्स मटेरियल का आएगा वो भी आपको लगाने है, सर तो ऐसे केस में प्योर लेबर है तो एक्ज मटेरियल प्लस लेबर है तो ऐसे केस में एंबुलेंस सर्विस जो गवर्नमेंट को दी है मैंने क्लियर उसमें अगर टोटल मटेरियल का वैल्यू शुड नॉट एक्स ट्वेंटी तो भी जीएसटी से एक्ट रहेगा क्योंकि वो भी आर्टिकल नंबर टू फोर्टी डबूरोमे सर पब्लिक डिस्ट्रीब्यून जैसे सर होता है ना सर वीट गेहूं सर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो गेहूं वगैरह बांटती है गवर्नमेंट लोगों को बेटा सर उसमें क्या करता है बेटा मेरे को मिलिंग ऑफ ट भी करना है और साथ में मेरे को फोर्टिफिकेशन करना है उसमें कुछ मिनरल विटामिन करके फिर मेरे को सप्लाई करने तो ऐसे केस में जो मैंने मिलिंग ऑफ वीट किया है साथ में फोर्टिफिकेशन का काम किया है उसमें प्लस लेबर दोनों बेटा ये आर्टिकल टू फोर्थ जी में कवर है आर्टिकल नंबर टोर्थ डब्लू में कवर है तो ऐसे केस में ये जो काम मैंने किया है गवर्नमेंट के लिए उसमें जीएसटी एक्सम रहेगा अगर वो प्योर लेबर तो एक्सम रही है प्लस सिंह फोर्टिफिकेशन भी है तो उसमें टोटल कॉन्ट्रेक्ट वैल्यू शुड नॉट एक्सेट मतलब मटेल का वैल्यू शुड नॉट एक्से ट्वेंटी जीएसटी नहीं लगेगा सेम वे अगर मैंने आर्मी को इंडियन आर्मी को या अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या मिनिस्ट्री को मैंने कोई भी सर्विस दी साफ सफाई की सर्विस दी बेटा अब साफ सफाई की सर्विस आर्टिकल नंबर टू फोरी डब्ल्यू टू फोर्थ जी में कवर है सेन्टेशन... सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सर्विस दी मैंने दी बेटा जो आर्टिकल नंबर टू फोर्थ डब्बल टू फोर्थ जी में कवर है तो ऐसे केस में सिंस इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मैंने सर्विस दी मतलब गवर्नमेंट को सर्विस दी बेटा और अगर इसमें प्योर लेबर है तो जीएसटी एक्सम है मटरियल प्लस लेबर है तो मटेरियल शुड नॉट एक्सेप्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ टोल कॉन्ट्रेक्ट जीएसटी एस रहेगा बेटा ये सर्कुलर भी खत्म होते हैं अब ये आर्टिकल नंबर टू फोर्थ टू फोर्थ जी वाले काम भी हैं अब सरकार नेक्स्ट अगर गवर्नमेंट सर सर्विसेज दी किसने गवर्नमेंट एंटिटी ने सरकार क्या हुआ गवर्नमेंट कोई बॉडी बनाई है सर अपना कोई काम करने के लिए और गवर्नमेंट एंटिटी ने काम किया किसके लिए गवर्नमेंट के लिए

लोडिंग कराना है कस्टम क्लियरेंस वो वर्किंग आवर्स में होता है बेटा पर वर्किंग आवर्स के बाद में या ऑन हॉलीडे अगर आपने काम करा है, तो कस्टम डिपार्टमेंट आपसे एक्स्ट्रा चार्ज जीएसटी एक्ज बेटा एक्ट सरकार गवर्नमेंट ने किया कि आपने से लिया और आपने वो से नहीं किया, तो ऐसे, कि ऐसे में गवर्नमेंट कोई फाइन पेनल्टी चार्ज कर लिया तो इट विल सर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी पर मैं आपको बताता हूँ एक दे उसने बोल दिया क्या सर आपने कॉन्ट्रैक्ट तो में जीएसटी लगता ही नहीं है तो सर यहाँ पे लिखा पे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा अल्टीमेटली जीएसटी नहीं लग रहा बेटा फिर सर गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सर कोई लोन चाहिए था बैंक से बेटा तो सर क्या हुआ उसके लिए गारंटी चाहिए था गवर्नमेंट का तो सेंट्रल अथॉरिटी ने सर अपनी अंडरटेकिंग को या पीएससी कोई को लोन की गारंटी देने के लिए गारंटी फीस चार्ज किया इट विल बी फीसविली फ्रॉम जीएसटी सर बैंक से लोन चाहिए था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन चाहिए था उस PAC को या गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग को उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यान या ट्री ने गारंटी दी गारंटी के लिए गारंटी फीस चार्ज किया गारंटी फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा देन ये पॉइंट में पढ़ा चुका आपको क्या इंडिविजुअल फार्मर को राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स दिया फॉर दी पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर जीएसटी नहीं लगेगा ओल्ड एज होम के बारे में हम बात कर चुके पच्चीस हजार फीस है जीएसटी नहीं लगता बेटा देन सर

विशेष काम के नहीं है देन आ रहा है क्या ईआरसीसी मान लो सर मैं कौन बेटा एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रेक्टर गवर्नमेंट ने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि इस एरिया का माइनिंग माइन होल्डर जो है उनसे रॉयल्टी कलेक्ट करने का काम मेरा है बेटा डेड रेंट फिक्स कर दिया मैंने बोल दिया कि साल के मैं दस करोड़ रुपए आपको दूंगा अब मान लो मेरे मेरे जो रॉयल्टी कलेक्ट करी वो आठ करोड़ कलेक्ट करी है अब आठ करोड़ कलेक्ट करी पर दस करोड़ मेरे को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा तो दो करोड़ का मेरे को लॉस हो गया दो करोड़ का जो मैं रॉयल्टी गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ उसी भी मेरे को जीएसटी पे करना है सर आठ करोड़ रुपए माइन होल्डर ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके होंगे अब सर मेरे को मान लो सेकंड केस सर मेरे को रोल्टी पे करना है गवर्नमेंट को साल का कितना दस करोड़ का पर रॉयल्टी कलेक्ट हुआ कितना पंद्रह करोड़ का तो ऐसे केस में फिफ्टीन करोड़ का जो रॉयल्टी कलेक्ट हुआ है सर उस उसपे गवर्नमेंट को माइन होल्डर्स ने रिवर्स चार्ज में वैसे भी टैक्स पे कर दिया होगा अब मुझे गवर्नमेंट को दस करोड़ रुपए पे करने उस पर कोई भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है तो क्लिम लाइके जितना डेड रेंट मेरे को गवर्नमेंट को पे करना होता है उसमें से जितना अमाउंट पे माइन होल्डर ने टैक्स पे कर दिया होता है जितने रॉयल्टी पे माइनडो टैक्स पे कर दिया होता टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है देन ये पॉइंट रिपीट कर रखा है मैंने यहां पे बेटा वो याद है एम आई डी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन वाला क्लियर अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले मैंने देन सर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी तो जीएसटी नहीं लगता देन सर ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं किसान के फार्म तक

कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड उत्रा, अंडरटेकिंग सर कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड सर कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराती बेटा एंड हज की यात्रा कराने के लिए कमेटी और स्टेट कमेटी अंडर हज कमेटी एक्ट ने जो आपको उसके लिए जो फीस चार्ज किया जीएसटी नहीं लगेगा मतलब ये क्या था बेटा इंडियन रेलवे को इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जो असिट लीज लीज रेंट लिया है तो ये अब टैक्सेबल होगा देन सेम वे जीएसटी नेटवर्क ने सर सिंह जीएसटी पोर्टल को मैनेज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से जो चार्ज लिया उस पर जीएसटी लग जाएगा बेटा देन सर ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम जिसका टोटल प्रीमियम कौन पे कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरेट्री पे कर रहा है तो ऐसे इंश्योरेंस के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी ने सर्विसेज दी है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्मेंट यान टेटरी को तो इट विल बी एक्जामी एस सेम वे ये हम पॉइंट पढ़ चुके क्या ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका एटलीस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न द गवर्नमेंट तो ऐसे केस में जो मैंने फीस चार्ज विल बी इटव फ्रॉम जीएसटी सरकार ये पॉइंट मैं पढ़ा चुका हूँ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट सर वहां

इसमें जो इंक्यूबे एंट्रप्रियर जोर डी कर रहा है बेटा उसने सर्विसेज दी है वो भी एग्जीमिट रहेगी उसकी कंडीशन क्या, क्या है बेटा फर्स्ट उसका प्रेसिडिंग में टोटल टर्नवर स्टूडेंट मोर देन फिफ्टी लाख रुपए अब करंट ईयर में मिलेगा पर फर्स्ट पचास लाख की सर्विसेज के लिए मिलेगा पर वो भी सर जो मिलता है इनको फर्स्ट तीन साल के लिए मिलता है बेटा इनको उसके बाद एक्जिमिशन नहीं मिलता है देन सर ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं हायरिंग ऑफ मोटर मोटरवाइक रिलेटेड एंड ये वाला पॉइंट भी हम रिपीट कर रहे हैं सर ग्रांटिंग ऑफ नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज ट थ्रू आउट और सिक्योरिटी एजेंसी ने सर्विसेज दी किसी पीएस्यू को या प्राइवेट एंटिटी को या स्पोर्ट्स इवेंट के लिए तो सर ध्यान बेटा दीज आर नोट एक्सम फ्रॉम जीएसटी बेटा आज मान लो कोई प्राइवेट कंपनी कोई इवेंट कर रही उसके लिए पुलिस वालों को अपॉइंट किया उन्होंने या सिक्योरिटी सर्विस ली उन्होंने पढ़ा नहीं बेटा further सिक्योरिटी सर्विस सर्विसेज के इसमें हमने पढ़ा हुआ क्या रिवर्स चार्ज के बारे पर्सनल सरकार एयरफोर्स मेस जो बनी हुई बेटा इसने अपने पर्सनल को जो भी सर्विस दी है सर सिंस एयरफोर्स मेस क्या है इट इज रन गवर्नमेंट तो एनी सर्विस बाय गिजनेस एनडी वैसे भी एक्सम फ्रॉम जीएसटी होता है इसलिए इस पर जीएसटी नहीं लगेगा देन आ रहा है क्या बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज

जो इंटरेस्ट होता है उस पर जीएसटी लगता है देन सर एक बैंक ने या ब्रोकर ने आपस में मनी चेंजिंग की सर्विसेज दी है तो या या मनी चेंजर्स बैंक ने आपस में अगर फॉरेन करेंसी कन्वर्जन किया तो कमीशन चार्ज जो किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा हम लोगों से जो कमीशन लेते हैं उन उनपे जीएसटी लगता है बच्चों क्लियर डन फिर पिनल इंटरेस्ट अगर मान लो आपने किसी बैंक से लोन लिया है लोन देने में लेट हो गए सर लोन इंस्टॉलमेंट उन्होंने पिनल इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है किसी और कारण से पिनल इंटरेस्ट चार्ज कर लिया आपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट नहीं किए तो वो भी इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगता है पर अगर आपने कोई दुकानदार था बेटा उससे मोबाइल लोन पे लिया बेटा और मोबाइल की किस्त पे करने में आप लेट हो रहे हो उसके लिए उसने एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया बेटा तो अगर सप्लायर ने खुद नहीं चार्ज किया तो इट विल बी चार्जेल टू जीएसटी बेटा क्योंकि सप्लायर ऑफ गुड्स और ऑफिसर बोथ ओवर एंड द प्राइस अगर आपसे इंटरेस्ट या कुछ भी चार्ज करता तो बी चार्जबल टू जीएसटी इट विल बी चार्ज इट विल बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई बेटा ना भाई डन देन सर सर्विसेज बैंकिंग कंपनी टू टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू जितने भी अकाउंट ओपन हुए थे उसमें जो बैंक ने अपने सर्विस चार्ज ऐड किए सर्विस चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा उसके बाद सर ध्यान दीजिए बेटा मर्चेंट बैंकिंग चार्जेस जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह से आप शॉपिंग करते हो मान लो मेरे वो शोरूम वाला था जहां पे आपने दस हजार रुपए की शॉपिंग करी होगी कार्ड स्वेप किया होगा उसके लिए चार्जेस चार्ज, तो आपने जो शॉपिंग करी वो ट्रांजेक्शन अगर अगर तो है ट्रांजेक्शन अगर अपू रुपीज टू थाउजेंड है तो उसके लिए जो भी बैंक ने मेरे से मेरा बैंक होता है जो भी मेरे से मर्चेंट बैंकिंग चार्ज लिए होंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा अब एक सर्कुलर आया और बोला क्या लो वॉल्यूम भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन और रुपये डेबिट कार्ड के यूज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या सर जो भी बैंक जैसे मेरा बैंक है जो मशीन होती है ना पॉच मशीन बेटा वो थी मान लो एच डी एफ सी बैंक की उसको बोल दिया क्या अगर कोई यूपीआई ट्रांजेक्शन थ्रू पेमेंट कर रहा है या रुपे डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहा है जिसका ट्रांजेक्शन का अमाउंट अप टू तो रुपी दो हजार है तो आप मर्चेंट बैंकिंग चार्ज चार्ज करना ही मत तो बैंक एच डीफ बैंक ने बोला मैं शोरूम वाले से अगर कोई चार्ज नहीं करूंगा तो मेरी दुकान चलेगी कैसे मैं अपना बैंक का खर्चा निकालूंगा कैसे तो गवर्नमेंट ने बोला क्या साहब जो तुम्हारा मर्चेंट बैंकिंग चार्ज है वो हम तुम्हें सब्सिडी की फॉर्म में दे देंगे तो सर यहाँ पे सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि वो जो <coughs> मर्चेंट बैंकिंग चार्ज शोरूम वाले से चार्ज नहीं हो रहा है गवर्नमेंट पे करी इन दी फॉर्म ऑफ सब्सिडी क्या उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा तो वहां बोल दिया क्या सर वो वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा सर गवर्नमेंट यहाँ सर्कुलर के थ्रू बोला कि सरकार दैट इज अ सब्सिडी ज नॉट फीस पेड सब्सिडी गिवन बाय बाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी क्लियर और ऐसे केस में सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देता है तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता। हमने पढ़ा वैल्यूशन बैठा सेक्शन सेक्शन टू में कि सर एनी सब्सिडी विच इज लिंक टू दी प्राइस विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई बट सब्सिडी गविन बाइ सेंट्रल गवर्मेंट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई इसलिए उसका वैल्यू पार्ट नहीं मिलेगा इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्लियर डन फिर सर आता है क्या सर्विसेज बाय फॉलोइंग सर्विस इन दी रेस्पेक्टिव कैपेसिटीज अगर बिजनेस फैसिलिटेटर ने या बिजनेस बिजनेसोंडेंट ने सर्विसेज दी है किसी बैंकिंग कंपनी को विथ रेस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स रूरल एरिया ब्रांच तो जीएसटी नहीं लगेगा सेम वे सर ना इन लोगों ने अगर, अगर अपने इंटरमीडिएट अपॉइंट कर दिए किसने बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस बिजनेसोंडेंट ने अपने इंटरमीडिएट अपॉइंट किए इन रिलेशन टू अकाउंट्स इन द रूरल एरिया ब्रांच तो ये भी जीएसटी से क्या रहेंगे एग्जाम रहेंगे तो इंटरप्रीट ने सर्विस दी बिजनेस बिजनेसपॉडेंट को बिजनेस सर्विस दी बैंक को दोनों की सर्विस में जीएसटी एग्जाम रहेगा अगर रूरल एरिया ब्रांच थी तो बेटा देन बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस बिजनेसपोडेंट सर्विस दी किसको इंश्योरेंस कंपनी को इन द रूरल एरिया तो अगेन जीएसटी विल बी एग्जाम क्लियर अब एक सर्कुलर था उसने बोला क्या बिजनेस फैसिलिटेटर हो या बिजनेस कॉरोस्पोंडेंट हो ये जो भी फीस चार्ज करेंगे वो बैंक से चार्ज करेंगे कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे कस्टमर को जो भी फीस चार्ज होनी वो बैंक चार्ज करेगा बेटा क्लियर और ऐसे केस में कस्टमर को जो सर्विस दे रहा है वो बैंक दे रहा है और बैंक ने जो भी फीस चार्ज कर रही हुई कस्टमर से उस पर जीएसट लगेगा बेटा क्लियर बिजनेस फैसिलिटी सर्विस दी बैंक को तो जीएसट नहीं बच्चों क्लियर डन आइए इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज फर्स्ट

एग्रीकल्चर पंपसेट एंड फाइल्ड वेल इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्टेड ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम देन जन आरोग्य बीमा पॉलिसी प्रधानमंत्री जन फसल बीमा योजना पायलट स्कीम ऑन सीड क्रॉप इंश्योरेंस सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन कैटल इंश्योरेंस यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम देन लास्ट क्या बंगला सस्य बीमा योजना सर

कहीं नहीं पड़ा टैक्सेबल सर समझे ऐसे क्लिक करेगा एग्जाम में सरकार फिर अब ये फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस अंडर द फॉलोइंग स्कीम्स कौन कौन से बेटा जर्नशी बीमा योजना आम आदमी बीमा योजना देन लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज अप्रूव बाई आई जिसका मैक्सिमम लाइफ इंश्योरेंस कवरेज कितना है दो लाख का है तो उसके लिए जो भी प्रीमियम होगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा लाइफ इंश्योरेंस कवरेज अगर दो लाख पचास हजार का था तो पूरे पे जीएसटी लगेगा जो भी प्रीमियम होगा उस पर बेटा प्रीमियम पे ये तो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है बेटा कवरेज तो कोई पर्सन मरेगा उसके लिए पैसा मिलेगा तो उस पैसे पे जीएसटी नहीं लगता बेटा क्योंकि मरना कोई सर्विस नहीं बेटा उसके लिए जो प्रीमियम पे किया है उस पर जीएसटी लगेगा उसकी बात कर रहे अगर दो लाख तक का इंश्योरेंस पॉलिसी था लाइफ इंश्योरेंस कवरेज था तो उसके प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगेगा दो लाख से ऊपर होगा तो जीएसटी लग जाएगा लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अंदर देन वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री वया वंदन योजना इन स्कीम्स में अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करा तो जीएसटी नहीं लगेगा देन ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम जिसका टोटल प्रीमियम किसने पे किया गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी ने जीएसटी जी एक्समेंट है अब सर जो हमने ऊपर वाले पॉइंट पड़े पॉइंट वन टू थ्री इनका अगर री इश्योरेंस कराया क्या कराया बेटा री इंश्योरेंस कराया तो री इश्योरस के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा देन अटल पेंशन योजना के थ्रू आपने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा ऐसी एनी पेंशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में आपने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जीएसटी नहीं लगेगा लाइफ इंश्योरेंस बाय वे ऑफ एनिटी अंडर नेशनल पेंशन स्कीम जीएसटी नहीं लगेगा अब सुनना बच्चों ध्यान से आर्मी नेवी एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस के थ्रू लाइफ इंश्योरेंस हुआ है सर आर्मी पर्सनल वगैरह का तो जेस्ट नहीं लगेगा सेम वे कोस्ट गार्ड का नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड के थ्रू लाइफ इंश्योरेंस हुआ जीएसटी नहीं लगेगा सर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का ग्रुप इंश्योरेंस के थ्रू लाइफ इंश्योरेंस हुआ जीएसटी नहीं लगेगा ए एस आईसी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या जीएसटी नहीं लगेगा ध्यान देना बेटा आई आर डी की सर्विस पे अब टैक्स लगा दिया गया है एंड सर बिजनेस या बिजनेस ने सर्विस दी बैंक को इन रूरल एरिया जीएसटी नहीं लगेगा हमने इंश्योरेंस कंपनी को इन रूल एरिया हमने बात कर ली जीएसटी नहीं लगता बेटा देन आइए आइए मिसलिनियस सर्विसेज सर अब कुछ और बचे बच्चा दिल थाम के सुनेगा आई नो कि सर बहुत सारे एक्सिमेशन थोड़ा बहुत परेशानी होती पर सर, पर सर सर इन लेक्चर का करके ध्यान से अगर सुन लिया तो माहौल बनने वाला है सरकार फर्स्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर फॉर गोइंग कंसर्न एज अ होल और इन इंडिपेंडेंट पार्ट देर ऑफ आपने बिजनेस का बिजनेस ट्रांसफर कर तो ये ये सप्लाई रहेगा जेस्ट नहीं लगेगा अब लॉयर के लिए मैं एक साथ बोलता हूँ बेटा ध्यान देना बेटा सर ये पूरा पॉइंट मैं एक साथ बोल रहा हूँ बेटा सर्विसेज प्रोवाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो एडवोकेट हो सीनियर एडवोकेट हो फॉर्म ऑफ एडवोकेट हो, हो, कोई भी इन्होंने जो लीगल सर्विसन थ्रेश रजिस्ट्रेशन तो ही जीएसटी लगेगा अदरवाइज हर केस में जीएसटी है आई रिपीट सर एडवोकेट फॉर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सर्विस दी टैक्स एक्सिम

एक एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट ने दूसरे एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दी तो भी अंदर जीएसटी बेटा क्लियर पर सीनियर एडवोकेट ने अगर एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दी है तो टैक्स लगेगा पर वहां पे उस केस में रेसिबेंट किसको मानते हैं रेसिबेंट उस बिजनेस एंटिटी को मानते हैं जिसका केस रिप्रेजेंट कर रहा है सीनियर एडवोकेट इन द कोर्ट क्लियर और वो बिजनेस एंटिटी विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा क्लियर डन और हां एक लास्ट बात अगर सर वो बिजनेस कौन है? गवर्नमेंट है बेटा मतलब एडवोकेट वगैरह ने सर्विस दी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरी लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी है गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विस दी है तो उनका टर्न कुछ भी प्रीवियस में डोंट केयर। जीएसटी क्या कर दिया गवर्नमेंट अलग से एग्जाम कर दिया है

किसी बिजनेस एक्सिबिशन ऑर्गनाइजर ने दी है इन रेस्पेक्ट ऑफ ए बिजनेस हेल्ड आउटसाइड इंडिया तो जीएसटी नहीं लगेगा बेटा देन के मेंबर्स दो सेपरेट पर्सन कहलाते हैं उन्होंने आपस में जो सर्विस तो सर एओपी बी आई ने अपने इट इज चार्जेबल टू जीएसटी पर वो एओपीबीआई कौन है बेटा ट्रेड यूनियन है जीएसटी एक्जेंट वो एओपीबीआई ने ऐसे किसी काम के लिए उस क्लब ने ऐसे किसी काम के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन लिया है शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन लिया है फीस लिया है विच इज ऑलरेडी एक्सम फ्रॉम जीएसटी वो सप्लाई ऑलरेडी जीएसटी से एक्समट है तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन भी एक्मट हो जाएगा अंडर जीएसटी क्लियर एंड थर्ड हाउसिंग सोसाइटी केस में सेवेंटी फाइव हंड्रेड पर मंथ पर में मेंबर तो जीएसटी नहीं लगेगा पर मंथ पर मेंबर उसके लिए सर्कुलर आया में बच्चा सर्कुलर बोलता है क्या अगर मान लो सेवेंटी फाइव हंड्रेड से ऊपर का अगर मेंबरशिप फी है तो जीएसटी लगेगा आठ हजार रुपए मेंबरशिप फी तो पूरे आठ हजार रुपये लगेगा सर अगर मान लो आठ हजार उससे कम है तो जीएसटी नहीं लगेगा अब ऐसे केस में अगर एनुअल टर्नओवर जो है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का मोर देन

इसकी वजह से टैक्स नहीं लगेगा अलग बात है बेटा क्लियर डन फिर क्या अगर रेजिडेंट वेलफेयर जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसकी आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी लग रहा है तो इनवर्ड सप्लाई जो उसने लिया उस पे आईटीसी मिलेगा बिल्कुल मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा बेटा क्लियर फिर मान लो मेरा दो फ्लैट है बेटा तो सर मैं दो मेंबर के रहूंगा बेटा मतलब मान लो मेरे दो फ्लैट है

जीएसटी पर पर नहीं लगेगा पर एन एम परिपीज रुपीजन तो जीएसटी नहीं लगता बच्चा क्लियर अच्छा हाउसिंग सोसाइटी तो सेवेंटी फाइव हंड्रेड पर मेंबर पर मंथ था या तो पर एन है वो भी एक रुपए तक का जीएसटी नहीं लगेगा लास्ट सर मैं कौन हूं इंटरमीडिएट हूं और कहा लोकेटेड बेटा मैं ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हूँ हू इज लोकेड इन मल्टी सर्विसेज एसोसियड मल्टी सर्विसेज एसोसिएट हिंदुस्तान में भी एक ही है कहां पर सर गिफ्ट सिटी गुजरात में और मैंने अपने फॉरेन क्लाइंट को सर्विसेज दी इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहा हूँ इस तरह के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या अदर सर्विसेज है उसके लिए जो फीस चार्ज किया इन फॉरेन करेंसी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्लियर डन ये सारे एक्जीबिशन के पॉइंट खत्म होता है अब जितने हमने एक्जिबिशन पढ़े सी जी एस टी एस जीएसटी आई जीएसटी सप्लीकेबल होता है बेटा जहां पर भी पार्टनरशिप हम आई वहां वहां एल एल पी भी रेफर किया जाएगा

उट आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रेक्ट और अदर प्रोविजन ऑफ दी लो सर वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आते हैं तो सर सुनमेंट ने क्या बोला था एग्रिंग टू दी ऑप्लीकेशन टू रिफरेंट फ्राम एन एक्टर एन एक्ट एन एक्ट्लाई सर्विस तो ऐसे केस में सर एग्रिंग टू दी ऑप्लीकेशन टू रिफरेंट फ्रॉम एन एक्ट इसका एग्जाम्पल हो गया तो, क्या नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट लिए फीस लिया

पॉल्यूशन थोड़ा सा जो होता है वो विद इन द कंट्रोल लिमिट ऑफ द गवर्नमेंट होता है बेटा पर आसपास की सोसाइटी ने बोला नहीं नहीं हमको तो एकदम प्योर हाइजनिक एनवायरमेंट रहना है आप ये मशीन और इंस्टॉल कर दो एक सब हम उसके लिए पांच लाख रुपए आपको साल के और देंगे अलग से तो सर ऐसे केस में उस फैक्ट्री ने एग्री केट टू डू एन एक्ट ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा क्लियर पर सर इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे बोला है क्या एग्रीमेंट टू डू और टू रिफ्रेंट फ्रॉम एन एक्ट शुड नॉट बी प्रेज्यूम टू एग्जिस्ट ऑलवेज मतलब अगर कभी मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट गया कोई कॉन्ट्रैक्ट ढंग से आपने परफॉर्म नहीं किया उसके लिए फाइन डैमेजेस चार्ज हुए या आपने कोई कानून तोड़ा उसके लिए गवर्नमेंट आपसे कोई फाइन चार्ज कर लिया या आपको माइनिंग का हमने काम दिया था और आपने एक्स्ट्रा माइनिंग कर दी लिमिट हमने आपको बोला था इतना ही माइनिंग करना आपने एक्स्ट्रा माइनिंग कर ली एक्स्ट्रा स्ट्रोक पाया गया आपसे फाइन चार्ज कर लिया या आपने कोई एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड किया था और आपने एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड तोड़ दिया और ऑनर जो एम्प्लॉयर था उसने आपसे कोई सर बॉन्ड तोड़ने का आपसे फीस चार्ज किया दस लाख रुपए चार्ज किया मान लो आपसे क्लियर या बैंक में आपने चेक प्रेजेंट किया और चेक बाउंस हो गया बैंक ने चेक बाउंस चार्ज आपसे कलेक्ट किए ये सब जो एक्टिविटीज है ये यहाँ पे जो चार्जेस जो बैंक ले रहा है या जो एम्प्लॉयर है आपने एम्प्लॉयमेंट बोन तोड़ दिया आपसे पेनल्टी लिया है या आपने कॉन्ट्रैक्ट ढंग से परफॉर्म नहीं किया टाइमली परफॉर्म नहीं किया तो लिक्विडिटी डैमेजेस चार्ज किए ये सब फाइन है ये सब पेनल्टीज है दीज आर नॉट कंसिडरेशन फॉर एन एक्टिविटी ये जो पैसा आपसे चार्ज किया जा रहा है ये इसलिए चार्ज किया जा रहा है ताकि आप ये काम ना करें क्लियर इसलिए सर ये सर्कुलर इश्यू करके डिपार्टमेंट बोला कि यहां पे जो अभी फाइन पेनल्टी वगैरह पे कर रहे हो इट इज अ प्योर मनी विच द थर्ड पर्सन इज दैट पर्सन इज पेंग टू गवर्नमेंट एटसेट्रा क्लियर यहां पर ये कंसिडरेशन पे नहीं हो रहा है ये फीस नहीं है इसलिए इस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्लियर यहां पर समझाया दिस इज वेरी वेरी गुड पॉइंट क्लियर डन सरकार सेम वे अब नेक्स्ट पॉइंट बोलता है क्या लेट पेमेंट फी और सरचार्ज सर ध्यान देना बेटा जैसे लाइट का बिल आपने लेट जमा कराया कराया टेलीफोन का बिल आपने लेट 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 जमा तो ये यूजुअल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पेमेंट चार्जेस चलता है सर तो ऐसे केस में हमने पढ़ा है कि कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स गुड सप्लाई ऑफ सर्विस आप कर रहे हो उसके लिए कस्टमर ने अगर आपको लेट पेमेंट किया तो जो आपने लेट पेमेंट चार्जेस फी वगैरह चार्ज करी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर देंगे उसको वैल्यू का पार्ट बनाएंगे और जो मेन सप्लाई वो अगर टैक्सबल हुई तो इस पर भी टैक्स लग जाएगा मेन सप्लाई हुई तो इस इसे भी टैक्स नहीं लगेगा बच्चों सेम वे फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस फॉर पावर सर लाइट का जो बिल आता है आप देखेंगे सर लाइट के बिल में जितनी यूनिट आपने कंज्यूम करी उसका चार्ज अलग होता है और फिक्स चार्ज आप भले लाइट कंज्यूम करो मत करो फिक्स चार्ज तो होते ही होता है बेटा तो दैट इज नॉट अ फाइन दैट इज नॉट लिक्विड डैमेजेस तो सर वो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का ही चार्ज है अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एग्जाम फ्रॉम जीएसटी उस पर जीएसटी नहीं लगता तो जीएसटी नहीं लगेगा उस फिक्स चार्ज पे भी बच्चों सेम वे कैंसिलेशन चार्जेस जैसे फ्लाइट टिकट हो गया बेटा या होटल अकोमोडेशन हो गया या टूर हो गया आपने बुक कराया सर अब देखना फ्लाइट टिकट अगर आप कैंसिल कराते हो होटल का टिकट होटल का जो रूम बुक कराया वो अगर आप कैंसिल कराएंगे तो वो होटल वाले या टूर वाले आपसे चार्जेस लेते बेटा कैंसिलेशन चार्जेस तो इट्स इट्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है साहब क्योंकि वो टूर ऑपरेटर ने आपके लिए टूर बुक कर दिया अपना पूरा काम के लिए फिर आप लास्ट में बोलते हो कैंसिल करना है तो ऐसे केस में कैंसिलेशन चार्जेस सप्लाई सर्विस और उस पर जीएसटी लगेगा क्लियर कोई पेनल्टी नहीं है बच्चों आइए सर एक लास्ट सर्कुलर पढ़ लेते था सरकार नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी आज देखना कभी भी जैसे कोई कार का इंश्योरेंस दस हजार तो क्या? क्या में कोई किया था? आपने अगर नहीं किया होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक नो क्लेम बोनस एनसीबी का डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करती है तो सर यहां बोला गया मान लो नो क्लेम बोनस जो आपको दिया गया क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है तो बोला गया जैसे दस हजार रुपए का इंश्योरेंस था रिन्यू करने भी और आपने पिछले साल में अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया होगा तो नो क्लेम बोनस मिलेगा आपको दो हजार रुपए तो रुपी सप्लाई सर्विस है मतलब मैं मान लो इंश्योर्ड पर्सन हूं और मैंने इंश्योरेंस कंपनी से कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया इसलिए इंश्योरेंस कंपनी मेरे को दो हजार रुपए दे रही है डिस्काउंट एक तरह से तो क्या इंश्योरेंस कंपनी मेरे को फीस दे रही है मैंने एग्री किया था कि मैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं लूंगा नहीं साहब वो तो बाय लक कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से इंश्योरेंस क्लेम नहीं लेना पड़ा मैंने कोई मैं अंडर कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कि मैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं लूंगा मैं इंश्योरेंस किस लूंगा। दो हजार तो माइनस दो हजार तो बेटा आठ हज़ार रुपये जीएसटी लगेगा क्योंकि जब मैं इंश्योरेंस कराता हूँ रिन्यू करा रहा हूं उसी टाइम मेरे इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट पे दो हजार रुपये डिस्काउंट लिखा जाता है और मेरे इनवॉयस दो हजार रुपये डिस्काउंट लिख के नेट आठ हजार रुपये मेरे से लिया है तो यस सेक्शन में फिफ्टी जो वैल्यूशन सी उसमें डिस्काउंट का जो कंडीशन है वो पूरा हो रहा है पे एट द टाइम ऑफ सप्लाई सेल्फ आप डिस्काउंट दे रहे हो बिल पे अलग से इंडिकेट कर रहे हो तो यस नेट वैल्यू जो होगा उस पर जीएसटी लगेगा भारत माता की जय मतलब कुल मिला नो क्लेम बोनस पे कोई जीएसटी नहीं लगता और नो क्लेम बोनस का जो डिस्काउंट दिया जा रहा है सर उसके बाद जो नेट इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पे करना है उसी पे जीएसटी पे करना है इस एग्जांपल में आठ हजार तो आठ हजार पे जीएसटी पे करना है इसी के साथ भारत माता की जय और इसी के साथ पॉइंट खत्म होता है अब इसी के साथ ये मेगा एक्सिमिशन लिस्ट भी खत्म होती है अब और सर आपने अगर देखा हो तो सरकार

सर हम सोचेंगे कि काश उस टाइम तक ताँग पढ़ लिया होता इसलिए ऑल दी बेस्ट लव यू लॉट पूरा पढ़ाई करिए मस्त होकर पढ़िए खुश होकर बढ़िए गॉड विल ब्लेस यू ऑल दी बेस्ट लव यू लॉट बाय